हाय खाने के शौकीनों, कैसे हैं? हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहना। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्रोटीन से भरपूर आज हम बनाएंगे मिक्स दाल, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी है, टेस्टी भी है। तो फ्रेंड कैसे बनाएंगे इसको, चलिए फिर बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमने 2 चम्मच मूंग की दाल ली है, छिलके वाली और विदाउट छिलके वाली, और 2 चम्मच चने की दाल ली है, 2 चम्मच उड़द की दाल ली है और 2 चम्मच तुअर की दाल यानी अरहर की दाल। अब हम सभी दालों को आधा घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। दाल फूल के तैयार हो गई है। हम इस दाल को अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद हम इस दाल में 2 गिलास पानी डालेंगे और फिर 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। फिर हम इस पर लीड लगाकर हम और गैस पर चढ़ा देंगे। गैस पर हम कम से कम 5-6 सीटी आने पर हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि चने की दाल जो है ना, वो थोड़ी देर में गलती है। देखो फ्रेंड, इस तरह से दाल हो जाएगी। अब हम तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। अब हम दाल फ्राई करेंगे। गैस पर कढ़ाई रखें, इसमें 1 चम्मच ऑयल डालें। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट डालेंगे। फिर हम 1 चम्मच जिंजर पेस्ट, 3-4 हरी मिर्ची जिनको हमने बारीक काट लिया है, और 1 मीडियम साइज की प्याज, इसे भी हमने बारीक काटा है। फ्रेंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी फ्रेंडों से, जिसने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ कर दीजिए। और सभी फ्रेंडों से ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो वीडियो अच्छे लगे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़। इसमें थोड़ी सी चुटकी भर हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर हमने 1 मीडियम साइज का लिया है और उनको बारीक काट लिया है। अब इनको हम अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर को डालेंगे, फिर थोड़ा सा चलाएंगे, भूनेंगे। फिर हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर को डालेंगे। टमाटर अच्छे से पक गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें दाल को डाल देंगे। फिर हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। फ्रेंड्स, दाल को ठीक रखने हैं या पतली, उसके अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस डालेंगे, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा खट्टी अच्छी नहीं लगती है। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, फिर निकाल लेंगे। एक बाउल में निकाल लें। दाल को निकालने के बाद हम गैस पर छोटी कढ़ाई रखेंगे, उसमें 1-2 चम्मच हम घी को डालेंगे। घी डालने के बाद 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे। जब जीरा चटकने लगे तब हम उसमें 2 लाल मिर्च को डाल देंगे और हम गैस को बंद कर देंगे। फिर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। फ्रेंड्स, गैस को बंद करने के बाद ही लाल मिर्च पाउडर डालें। अब हम इस तड़के को दाल में मिक्स करेंगे। फ्रेंड, इस तड़के से दाल जो है ना, वो ज़बरदस्त एकदम मस्त दाल बनेगी, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी। आप इस पर एक बार ज़रूर ट्राई करिए, इस तरह से बनाइए, सभी लोगों को पसंद आएगी। फ्रेंड्स, तीखा खाने हैं तो लाल मिर्च पाउडर और डाल सकते हैं। अब हम हरी धनिया को काट के डालेंगे, जो खाने का स्वाद बढ़ाती है। बच्चे लोग मूंग उड़द की दाल खाना पसंद नहीं करते हैं, इस तरह से हम दाल मिक्स करके बनाएंगे तो बच्चे लोगों को बहुत पसंद आएगी और वो मन से खाएंगे। बाय फ्रेंड, अगली वीडियो आपसे फिर मिलते हैं।